हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों का डीएमआरसी सीआरए को लेकर के। और इसमें हम लोग देखेंगे कि सीआरए का प्रिपेरेशन जो आपका होगा, सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद आप लोग साइको का प्रिपेरेशन करोगे तो कितना कट ऑफ जा सकता है ताकि आप साइको का प्रिपेरेशन करना स्टार्ट कर दो, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं कुछ बात और आपको बताऊंगा जो कि काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, जैसे कि सर पेपर 1 में पास करना जरूरी है, पेपर 2 में भी पास करना जरूरी है क्या, तो इसके बारे में क्लियर करेंगे। सर नॉर्मलाइजेशन है क्या, इसके बारे में क्लियर करेंगे। साइको का प्रिपेरेशन कैसे करना है, इसके बारे में क्लियर करेंगे। तो हर एक चीज मैं बता देता हूँ, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो। ओके, चलो। और स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग और जान जाओ कि एएलपी पेपर 2 जब हुआ था आपका, उसके बाद जब साइको का प्रिपेरेशन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने साइको का कंप्लीट प्रिपेरेशन करवाया था। आप देख सकते हो 2.5 लाख से 3 लाख स्टूडेंट का जो है सो साइको के लिए एग्जाम हुआ था, जिसमें करीब करीब 1.5 लाख स्टूडेंट तो इस चैनल को फॉलो किया था। और आप यहाँ पे देखो अच्छे से, पूरा का पूरा एएलपी का साइको का प्रिपेरेशन मैंने काफी अच्छे से करवाया था और काफी ज्यादा स्टूडेंट ने फॉलो किया था, तो साइको प्रिपेरेशन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे मैं आपको सीआरए को लेकर के कंप्लीट प्रिपेरेशन करवा दूंगा। और अगर और अच्छा से चाहते हो कि प्रिपेरेशन मैं करूँ कंप्लीट, जैसे कि काफी प्रैक्टिस सेट आपको मिले ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप लोग इस कोर्स को परचेज कर लो। काफी स्टूडेंट ने कोर्स को परचेज करके स्टार्ट कर दिया है और प्राइस अभी 249 है, लेकिन ये इंक्रीज करके 349 या 399 हो जाएगा। और मैं पहले बता देता हूँ, आप YouTube पे सर्च करना, आपको डीएमआरसी साइको लेकर के कोई नहीं अभी पढ़ा रहा है और ना ही मार्केट में कोई अच्छा सा बुक अवेलेबल है और ना ही कोई इसका प्रिपेरेशन सही से करवा पा रहा है। तो सब कुछ, और इतना अगर कोई करवा भी रहा है तो इतना कम कॉस्ट में आपका कोई नहीं करवा रहा है, तो अभी प्राइस कम है। आप सभी लोग अभी से इनरोल हो जाओ। और जैसे कि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, जैसे कि देखो साइको टेस्ट को लेकर के वीडियो लेक्चर्स भी आ रहा है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिस सेट, मेमोरी टेस्ट में 9 फाइल डाल दिया गया है प्रैक्टिस सेट, अभी इसमें 15 तक आएगा। फिगर फॉर्मेशन टेस्ट डाल दिया गया, एम्बेडेड फिगर टेस्ट डाल दिया गया, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन टेस्ट आ जाएगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मेमोरी टेस्ट आपको देखना है तो यहाँ पे देखो मेमोरी टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो प्रैक्टिस करने में आपको कोई कमी नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो पहले आप लोग ये बताओ, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा, आप लोग डाउनलोड कर लो ऐप पे और आ जाओ और पढ़ाई प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो जब कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि कट ऑफ कैसे डिपेंड करेगा, किसके पे किस पे डिपेंड करेगा। तो एक आपको नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करेगा, अगर आपका नंबर ऑफ सीट कम होता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होता है तो इस पे भी डिपेंड करता है कट ऑफ। दूसरा कि टफनेस क्या है पेपर का, जब आपका पेपर होता है ना तो किसी शिफ्ट का पेपर आसान होता है और किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो और मैं आपको बोलूंगा कि 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करो और 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करो, तो हो सकता है आपका मान लो 100 में से इसमें आया 80 और इसमें आ गया 72। स्टूडेंट सेम है लेकिन अलग अलग पेपर में अलग अलग स्कोर आ रहा है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजर में ये वाला शिफ्ट टफ है ना इसका मतलब। तो यही प्रिंसिपल काम करता है नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन यहाँ पे आप अकेले हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी ज्यादा हो जाता है, जैसे कि आपका 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट है और 17 तारीख सेकंड शिफ्ट है, और बात अगर 500 स्टूडेंट का करते हो तब यहाँ पे सारे का एवरेज जो है सो 82 आता है आउट ऑफ 100 एवरेज स्कोर, लेकिन इस 500 स्टूडेंट को यहाँ पे 65 आता है एवरेज, तो रेलवे को क्या लगेगा, रेलवे को ये लगेगा कि ये शिफ्ट टफ है, तभी तो इतना सारा स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कम आया। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, इसको
ज्यादा नंबर मिल जाता है, मतलब हो सकता है इसको प्लस 2 ऐड हो तो हो सकता है इसको प्लस 15 ऐड हो। तो ये प्रिंसिपल मेरा नॉर्मलाइजेशन का काम करता है। और नॉर्मलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे ही एक शिफ्ट से ज्यादा होता है आपका एग्जाम, मल्टीपल शिफ्ट जैसे ही आया तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन होता है। उसके अलावा रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है उसमें -1/3 है आपको पता है, और SSC का जितना एग्जाम होता है उस पे आपको -1/4 होता है, आपको ये पता चला। चलो अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पास करना जरूरी है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लो। और मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये सारा आपको नोटिफिकेशन के हेल्प से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, जब पेपर 2 के बारे में बात आता है तो एक तो लिखा हुआ कि 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है, ये आपको पता चला। और आपको ये भी पता चला कि 2 पेपर होता है तो एक में आपका 60 क्वेश्चन रहता है और एक में आपका 120 क्वेश्चन रहता है, आपको ये पता चला। अब यहाँ पे क्या है, ओवरऑल मेरिट, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, कैंडिडेट हु क्वालिफाई सेपरेटली इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो इस लाइन से आपको समझ में आया कि आपको पेपर 1 भी पास करना पड़ेगा और पेपर 2 भी पास करना पड़ेगा। एंड रैंक हाई ऑन द मेरिट लिस्ट विद इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन शैल बी कॉल्ड बेस्ड ऑन द ओवरऑल मेरिट ऑफ CBT, मतलब बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 टूगेदर। मतलब क्या समझे, आपको पेपर 1 का भी कट ऑफ पार करना है, पेपर 2 का भी कट ऑफ पार करना है, और दोनों को मिला करके जो फाइनल कट ऑफ बनेगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 ओवरऑल, उसको भी आपको पार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका साइको के लिए कॉल आएगा। और साइको आपको पास करना है फिर आपका DV होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और पहले क्या होता था कि CRA में आपका इंटरव्यू होता था, बट अब नहीं होता है, है ना। मैंने ये बात बताया था, कुछ लोगों ने बोला था पहले भी नहीं होता है, बट पहले होता था। चलो अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं आपका। तो आपको ये पता चला कि पेपर 1 पास करना है, पेपर 2 पास करना है, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों भी पास करना है। अब थोड़ा सा एक चीज और मैं बता देता हूँ, कन्वर्जन 120 नंबर का आपका पेपर 1 है, क्लियर, और पेपर 2 है आपका 60 नंबर का, तो टोटल कितना हुआ 180 नंबर। लेकिन आपको क्या करना है, मान लो ऐसे आया नंबर 66%, तो परसेंट क्या होता है 100/100, इसका मतलब क्या हुआ 66/100, तो इसका कन्वर्जन होगा, मतलब इसको बना दिया जाएगा 100। अब इसको 100 कैसे बनाओगे, तो आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ, इसको 1.8 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 100 बन जाएगा, मतलब 180 को आप 1.8 से डिवाइड करोगे तो ऐसे करोगे तो आपका 100 बन जाएगा। तो मतलब जो नंबर आपका आएगा उसको अगर 1.8 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा वो 100 में कन्वर्जन हो जाता है। और ये कॉमन सेंस का बात है, ये कहीं नोटिफिकेशन वगैरह में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको वो 100 पे मार्किंग करेगा तो आपको पता है कि 180 का पेपर है, तो 180 को 100 पे मार्किंग करने का यही एक तरीका है कि वो कन्वर्जन करे और 1.8 से डिवाइड करे और 100 में कन्वर्ट करे। अब जैसे कि चलो एक छोटा सा चीज और बताता हूँ, पेपर 1 है आपका 120 नंबर का, पेपर 2 है आपका 60 नंबर का, ठीक है। अब मान करके चलो आप कि इस 120 नंबर में आपका आता है 72 नंबर, ध्यान से सुनना, और यहाँ पे आपका आता है 36 नंबर, मतलब 60 में आपका आया 36, 36 out of 60, और यहाँ पे आप लाए 72 out of 120, तो ये आपका मार्क्स आया, तो टोटल मार्क्स आपका कितना हुआ 70 और 30, 108 हुआ out of 180। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको 100 में कन्वर्ट करना है, तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बाय 1/0.8 करेंगे, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा 60, तो आपका मार्क्स कितना आया 60%। तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितना जा सकता है, और मैं पहले बता दे रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, जैसे कि 1000+ वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाया है तो मेरा जो अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे और हो सकता है आपको लगे कि मैंने ज्यादा बता दिया, तो कोई बात नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया ना
कि कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है, एक तो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, दूसरा कि आपका टफनेस ऑफ पेपर जो है, और तीसरा कि उस वैकेंसी के लिए कितना ज्यादा स्टूडेंट ने आपका दिया था पेपर, और चौथा कि आपका नॉर्मलाइजेशन, कौन सा शिफ्ट हार्ड है और कौन सा शिफ्ट आपका आसान है। तो ये सारा चीज पे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। अब आप लोग बताओ, 17 तारीख को आपका पेपर हुआ था, 17 को आपका पेपर हुआ था, 18 को आपका पेपर हुआ था, है ना, और 19 को आपका पेपर हुआ था। तो पेपर जो हुआ था, तो इसमें जो है सो 19 फरवरी का जो पेपर हुआ था, इसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। चलो, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट, ये हम आप कहते हैं इजी टू मॉडरेट, बट ये मेरे आपके कहने से नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि एवरेज स्टूडेंट जो है उसका मार्क्स कितना आया। अगर 17 तारीख के पेपर में एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स आपका मान लो 62 आया, और इसमें अगर उसका एवरेज मार्क्स आपका 64 है, तो रेलवे के नज़र में ये वाला पेपर टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें एवरेज मार्क्स कम आया है और इसमें एवरेज मार्क्स ज़्यादा आया है। तो इस तरह से काम करता है। आपको हल्का लगा या आपको टफ लगा, इससे रेलवे को कोई मतलब नहीं है। एवरेज स्टूडेंट जो है उसका कितना आया, उससे रेलवे डिसाइड करेगा कि कौन सा पेपर टफ है और कौन सा पेपर ईजी है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। जैसे कि 120 नंबर का आपका पेपर वन है और पेपर टू है आपका 60 मार्क्स का, तो जनरली कट ऑफ पेपर टू का ज्यादा जाता है इंग्लिश का, फिर भी मैं मान करके चल रहा हूँ आपका 35 टू 45 के अराउंड, और इसमें मैं आपको मान करके चल रहा हूँ 70 से लेकर के 85 के बीच में, ठीक है। लोअर लिमिट और हायर लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, इस रेंज में कम बेसी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसको करते हो तो ऐसे करो ना, 105 से लेकर के 80-40, 120, 130 के आसपास आपका ये हुआ, मतलब ये एक रेंज है। और इसको अगर आप 1.8 से डिवाइड कर देते हो, इसको अगर आप 1.8 से डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ पे आपका ये इस तरह से आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 58.33 से लेकर के रेंज आपका 72 के आसपास, है ना, ये रेंज आ जाएगा। क्योंकि साइको टेस्ट में क्या है कि जितना आपका सीट है उतना नहीं बुलाएगा, वैसे तो नोटिफिकेशन में उसने नंबर मेंशन नहीं किया है, लेकिन कम से कम 4-5 गुना कम से कम वो सीआरए में आपको वो बुलाएगा साइको टेस्ट में। तो कट ऑफ इसके अराउंड में रहेगा, इसके बीच में रहेगा। और ये सारा मैं बात कर रहा हूँ आपको जनरल के हिसाब से, जब आप ओबीसी पे आते हो, एससी एसटी पे आते हो, तो थोड़ा सा मार्क्स कम भी हो सकता है। और देखो, कट ऑफ कम जाने का एक रीजन और भी है, 1/3, ये निगेटिव मार्किंग 1/3 ना काफी ज्यादा फैक्टर है आपका कट ऑफ को कम करने के लिए। ओके, तो रेंज तो मैंने बता दिया आपको कि 58 से लेके 72 तक, लेकिन अगर आप एससी एसटी हो, जैसे कि मैं जनरल का बात कर रहा हूँ 58 से लेके 72 तक, ठीक है, अगर आप एससी एसटी हो तो आपका कट ऑफ जो है सो आप 54 से लेके 65 से भी कम ही रहेगा, 65 ज्यादा हो गया, बट ये रेंज मान करके चलो। तो अगर आप लोग 72 से ज्यादा होते तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का मैं ओवरऑल बात कर देता हूँ, अगर आप लोग 55 प्लस मार्क्स ला रहे हो, बिकॉज 5 टाइम्स आपका साइको के लिए मेरे हिसाब से कॉल आना चाहिए, तो 55 प्लस मार्क्स कम नहीं होता है। और कुछ अपने लक पे छोड़ दो, कुछ चीज अपने लक पे आप छोड़ दो, और होप फॉर पॉजिटिव कि आपका कॉल साइको के लिए आ जाए, ठीक है, आपका कॉल साइको के लिए आ जाए, ये रेंज आप लोगों का रहेगा। ओबीसी को भी इसी में रख लेना, ठीक है, तो ये रेंज आप लोगों का आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग जो है सो लिंक पे क्लिक करके साइको में इनरोल हो जाओ, तो आपको कम पैसा लगेगा, नहीं तो बाद में फिर आपको ज्यादा पैसा देके लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। और मैं इस बात का फुल गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरा कोर्स लेते हो तो आपको साइको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।